एनएफटी एक बजवर्ड बन चुका है, जहां आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स एनएफटी में कन्वर्ट करके बेचना चाहते हैं, तो वहां इन्वेस्टर्स भी उसे खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। पर एनएफटी आखिर होता क्या है, इसे कैसे हम खरीद और बेच सकते हैं, और इसमें क्या कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है, इन सब का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तोशिंदर शर्मा, जो कि मैटिक पैक कंपनी एनएफटी करी के फाउंडर एंड सीईओ है। वेलकम तोशिंदर, आपका स्वागत है क्रिप्टो क्लासरूम में। तोशिंदर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये आखिर एनएफटी है क्या? इसे ये इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट क्यों हो गया है? क्योंकि देखा जाए तो ये एक डिजिटली ओन्ड पेंटिंग की तरह है, तो मैं क्यों अपनी फिजिकल पेंटिंग खरीद सकती और डिजिटली ओन्ड में मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? तो आप प्लीज हमें सिंपल तरीके से बताइए कि आखिर एनएफटी है क्या? पहली चीज तो ये कि जब भी आप कोई असेट बनाते हैं फिजिकल पेंटिंग, तो वो आजकल डिजिटल का जमाना आ गया है, तो हर चीज एक वर्चुअल में भी एग्जिस्ट करती है। आजकल बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स होती हैं, या फिर कोई ऐसा क्लिक्स है, मे बी यू आर अ गुड यू नो फोटो फोटोग्राफर एंड यू हैव क्लिक्ड अ गुड पिक्चर, सो दैट पिक्चर विल ऑलवेज रिमेन इन अ डिजिटल फॉर्मेट, राइट? यू डोंट वॉन्ट टू मेक इट प्रिंट एंड देन फ्रेम इट इन समवेयर एल्स, यू वॉन्ट टू सेल इट जस्ट लाइक एन मीम। यू नो इंटरनेट पे आजकल मीम बहुत वायरल हो रहे हैं, so these memes are actually an asset. The person who has invented that meme can should be the owner. So now problem with the digital asset is ki aap usko jaisi copy karte hain to uski jo copy hoti hai aur wo original na dono exact same hote hain. To problem is ki now ownership kaise prove ki jaye ki kaun actual owner hai aur usko is tarah se kaise becha jaye ki jo real value hai wo seedhe actual owner ko mile, na ki jo copycat hai unko. तो डिजिटल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इवन अगर आप कोई पीडीएफ की बात करें या कोई ई बुक की बात करें, जैसे उसको कॉपी करते हैं तो वो एग्जैक्टली सेम हो जाती है। तो उस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनएफटी है। तो एनएफटी में कॉन्सेप्ट ये है कि ये आपका एक डिजिटल एसेट है, इट कैन बी जस्ट अ ई बुक। लेट से फॉर एग्जाम्पल आपने एक बहुत अच्छे राइटर है, आपने एक नॉवेल लिखा जो कि पीडीएफ में है, आप चाहते हैं कि मैं इसको किसी तरह से ब्लॉकचेन के रिप्रेजेंटेटिव एक टोकन में कन्वर्ट कर दूं, ताकि फिर मैं उस टोकन को किसी को बेचूं या बाय या सेल करूं, ताकि अगर कोई चीज ऐसे ट्रांजेक्शन होगी तो उसके साथ साथ जो ई बुक की जो ओनरशिप है वो भी ट्रांसफर हो जाएगी। बट क्योंकि वो टोकन ब्लॉकचेन पे इस तरह से एग्जिस्ट करता है कि उसकी ओनरशिप जो है वो कोई ऐसे आपसे जबरदस्ती छीन नहीं सकता, कोई स्टील नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता, सो उस वजह से इसकी बहुत बड़ी एक कीमत बन चुकी है कि अच्छा टेक्नोलॉजी अगर आपके डिजिटल एसेट को एक वैल्यू देती है, इट्स डेफिनेटली, तो दैट्स व्हाई पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट यू नो एनएफटी। एंड बिकॉज उन्हें लगता है कि यार मेरे तो डिजिटल एसेट बहुत सारे हैं, राइट? एक बात सोचिए कि आपने शायद 2000 मे बी 1970 में मे बी 80s में आपने कोई फोटो क्लिक करी होगी, मे बी नरेंद्र मोदी की कोई फोटो हो, मे बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई फोटो हो, जो आज बहुत वैल्यूएबल होगी, राइट? तो अगर आप उसको फोटो को क्लिक फोटो को बेचना चाहते हैं टू मेक मनी इन अ डिजिटल फॉर्मेट, तो कैसे करेंगे? तो सबसे अच्छा आइडिया है दिस एनएफटी। तो दैट्स हाउ इट इज गोइंग क्रेजी, पीपल आर गोइंग क्रेजी ऑन दिस। ओके, तो आपने बताया कि अगर कोई यूनिक आपके पास कलेक्टेबल है तो आप उसको एनएफटी में कन्वर्ट करके एक डिजिटल ओनरशिप आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ब्लॉकचेन के थ्रू एग्जीक्यूट है। तो ये सिंपल तरीके से एक एनएफटी है। पर आपने इसको बेचने और खरीदने की भी बात करी, तो अगर अगर एनएफटी में खरीदना चाहती हूँ तो इसके क्या स्टेप्स हैं, मुझे कैसे एनएफटी खरीदने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी, ये बताइए प्लीज। तो आपको एनएफटी खरीदने के लिए आपको सबसे पहले एक मेटामास्क वॉलेट चाहिए, विच इज काइंड ऑफ अ ब्लॉकचेन बेस्ड वॉलेट। तो सबसे पहले तो आपको वो अपने क्रोम एक्सटेंशन, क्रोम ब्राउजर में जाके वो एज अ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, विच इज फ्री अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। देन यू सेटअप योर वॉलेट इनसाइड दैट। उस वॉलेट को इनसाइड सेटअप करने के बाद आपको उसके अंदर थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसी लोड करनी पड़ेगी टू सो दैट यू कैन बाय दी एनएफटी आइटम्स। तो लोड करने के बहुत तरीके हैं, आप मार्केट में एक्सचेंजेस है वहां जाइए, वहां पे खरीदिए और वहां से अपने वॉलेट में डिपॉजिट कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप वीजा मास्टर कार्ड के थ्रू हमारे प्लेटफॉर्म एनएफटीकली में वीजा मास्टर कार्ड के थ्रू आप क्रिप्टोकरेंसी डायरेक्ट वहीं से परचेस कर सकते हैं। वी हैव पार्टनर्ड विद सम यूएस कंपनी हु इज एक्चुअली हेल्पिंग कि आप खरीद सकें डायरेक्ट उनके प्लेटफॉर्म से। तो अब जैसे वो क्रिप्टोकरेंसी आपने मांग चली, इथीरियम या मैटिक टोकन आपने बाय कर लिया, तो उसके बाद जब आप किसी आइटम के पेज पे जाएंगे एनएफटी, आपको लगता है कि अच्छा यार ये अच्छा लग रहा है, ये $10 में अवेलेबल है या $100 में अवेलेबल है, तो आपको वहां बटन होगा बाय नाउ। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो जो मेटामास्क वॉलेट होगा वो खुल जाएगा और वो बोलेगा प्लीज अप्रूव द ट्रांजेक्शन। तो जैसे ही आप उस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज करेंगे आपके अकाउंट से मनी विड्रॉ होगी, सेलर के अकाउंट में जाएगी
और सेलर के अकाउंट से एनएफटी इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मिली सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगा, बट यू नो इट हैज सर्टेन टाइमलाइन, लेट्स से 5 10 सेकंड और मे बी 20 सेकंड्स इट माइट टेक टू कंफर्म द ट्रांजेक्शन ऑन ब्लॉकचेन, बिकॉज ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है। बट दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है एंड एवरीथिंग इज फ्री इन टर्म्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड यस यू हैव टू बाय इट थ्रू क्रिप्टोकरेंसी और वीजा मास्टर कार्ड, बोथ आर पॉसिबल राइट नाउ। राइट, तो आपने बोला कि एक वॉलेट चाहिए होगा, मेटामास्क का वॉलेट चाहिए होगा, उसके थ्रू आपका क्रोम एक्सटेंशन पे आप उसको लिंक कर सकते हैं और आप एनएफटी खरीद सकते हैं, पर इसमें चार्जेस क्या हैं? एक तो आपकी जो पेंटिंग है या कोई भी आप डिजिटल कलेक्टेबल ले रहे हैं उसका एक वैल्यू होगा, पर अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द अदर चार्जेस वन शुड नो अबाउट? श्योर, सो मान लीजिए आपने $100 की एक पेंटिंग है वो आपको परचेज करनी है, राइट? तो $100 तो एक फिक्स अमाउंट हो गया जो आपको उस बंदे को पे करना पड़ेगा जो सेलर है। दूसरा ऑप्शन, दूसरी चीज जो फीस लगती है वो है इथीरियम ट्रांजेक्शन की फीस। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन इथीरियम ब्लॉकचेन पे थ्रो करते हैं तो उस ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शन की एक फीस होती है जिसको हम गैस फीस बोलते हैं, तो आपको वो गैस फी पे करनी पड़ेगी। जनरली वो बहुत ही छोटी होती है, आई थिंक इन एनएफटीकली इट इज अराउंड 30-40 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। सो वो जो फीस होती है वो हमेशा उतनी ही रहेगी। तो अगर आप 10 करोड़ की पेंटिंग खरीद रहे हैं या 10 रुपए की पेंटिंग खरीद रहे हैं, दोनों केसेस में आपको 40 रुपए ही पे करने हैं, बिकॉज ट्रांजेक्शन जो है उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितने अमाउंट इधर से उधर हो रहा है, जस्ट वो ट्रांजेक्शन माइनर्स को, क्योंकि वो फीस जानी है सो दैट दे कैन सिक्योर द ब्लॉकचेन, तो वो जाती है। तो ये 40 रुपए 50 रुपए, बट अगर ये आप मैटिक में जाएंगे तो मैटिक में ये 7 पैसा है, मतलब लिटरली इट्स लाइक फ्री, मतलब नथिंग। तो वो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन डिपेंड करता है, और ये फीस जो होती है ऊपर उठती रहती है, कभी नीचे जाती है, तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि ब्लॉकचेन पे करंट गैस रेट या गैस फीस कितनी है, उसके हिसाब से सेट होता है। तो इथेरियम में थोड़े ज्यादा है, मैटिक में कम है, बिनेंस स्मार्ट चेन में भी कम है, सबसे कम अभी इस वक्त मैटिक पॉलीगन ब्लॉकचेन में है इस वक्त अभी। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम वैल्यू ऑफ द पेंटिंग और एनी कलेक्टेबल, देयर इज गैस फी, जो आप कह रहे हैं कि काफी छोटी अमाउंट है, बड़ी अमाउंट नहीं है, तो ये दो चार्जेस हैं जो आपको एनएफटी खरीदते वक्त पे करने पड़ेंगे। तो एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जैसे अगर एनएफटी में खरीदती हूँ तो मैं एक आर्टिस्ट से खरीदती हूँ, पर अगर मैं इसको बेचना चाहूंगी, मैं इसको रीसेल करना चाहूंगी, तो उसमें क्या कॉस्टिंग इन्वॉल्व रहेगी और फिर इसकी वैल्यू कैसे डिटरमिन होती है? तो आपको अगर मान के चलिए आपने एनएफटी के लिए प्लेटफॉर्म पे जाके किसी आर्टिस्ट का परचेज कर लिया और आप उसको सेल करना है, all you have to do is just put that item on sale, that's it. उस चीज के लिए अगेन 25-30-40 रुपए खर्च होंगे, जिसमें आपको एक ऑथराइज करना है ट्रांजेक्शन मेटामास्क वॉलेट के थ्रू। जैसे वो आप ट्रांजेक्शन ऑथराइज करेंगे, आपको उसमें प्राइस सेट करना पड़ेगा कि आप कितने में बेचना चाहते हैं। सो प्राइस सेट करना बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है कि आई थिंक दिस शुड वैल्यू लेट्स से $100,000, बट सामने वाला कह रहा है नहीं यार ये तो $10 से ज्यादा की नहीं है, तो एक तो ये पार्ट चलेगा। दूसरा, देयर इज एन ऑक्शन फीचर which means that you can put an item on auction and say that ek ye 3 din auction chalega, 3 din mein jo sabse zyada bada bid karega usko ye transaction approve ho jayega aur usko item mil jayega. So this way jo approval, jo price set hota hai, wo buyer hote hain wo milke set karte hain, but aap fixed price pe bhi sell kar sakte ho ki nahi yaar mujhe auction nahi karna, I just want $100, that's it, take it or leave it, that's it. To wo wali feature bhi available hai. To dono cases mein it's a very subjective thing, you know, किसी को कुछ भी कैसे कह सकते हो कि अगर मेरे को मेरी चीज है मैं महंगे में बेचना चाहता हूँ, इट्स ओके, बट अल्टीमेटली जो प्राइस मिलता है मार्केट में वो राइट प्राइस होता है किसी भी कमोडिटी का, सेम इज एप्लीकेबल फॉर एनएफटीज। तो शिंदे, मैं समझना चाहूंगी इसमें कोई रॉयल्टी फैक्टर नहीं होता है, जैसे जो प्राइमरी आर्टिस्ट था, जो प्राइमरी मार्केट से मैंने जिस आर्टिस्ट से खरीदी थी उसको कोई रॉयल्टी नहीं जाएगी, इट्स ओनली अप टू मी कि मैं डिसाइड करूं कि अब पेंटिंग की वैल्यू क्या होगी, राइट? मैं आपको बताता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो क्रिएटर है, जो प्राइमरी मार्केट है, जो उसका जो सेलर है, वो पहले ही सेट कर सकता है कि मिंटिंग के वक्त कि भाई मुझे 5% रॉयल्टी या 10% रॉयल्टी चाहिए। तो उसके बाद जब सेकेंडरी इस मार्केट में जाएगी तो उस सेलर के पास ऑप्शन नहीं होगा कि उसको डिसेबल कर सके, बिकॉज फिर वो आइटम मिंट हो चुका है। तो जब भी बाय होगा या ट्रांजेक्शन होगा सेकेंडरी मार्केट में, जैसे $100 का बिका तो $10 विल गो टू दी जो पहले वाला जो मिंटर है, जिसने ओरिजिनल क्रिएटर है। तो वो रॉयल्टी एक बार वो मिंटर को सेट करनी होती है एंड ही हैज अ टोटल कंट्रोल, ही कैन सेट इट 20%, 30%, बट यू नो दैट व्हेन द बायर कम्स, तो वो जो खरीदने वाला होता है वो उसको एडजस्ट कर लेता है, राइट? क्योंकि उसे पता होता है कि यार अब मैं नेक्स्ट टाइम बेचूंगा तो 10% तो उसको जाएगा, तो वो वाली
जो साइकोलॉजी है वो चलती है, तो आपकी प्राइसिंग जो आप जिस प्राइसिंग पर आप बेचना चाह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं वो चीज एडजस्ट हो जाती है। तो एज अ सेलर यू शुड बी अवेयर कि आप ज्यादा रॉयल्टी रखोगे तो ज्यादा महंगा नहीं बिकेगा फिर वो, बिकॉज पीपल से कि यार ये तो रॉयल्टी ले जाएगा मेरी सारी। ये तो हो गई बायर साइड की स्टोरी, पर अगर किसी को क्रिएट करना है एनएफटी तो क्या तरीका है और क्या चार्जेस इन्वॉल्व्ड है? श्योर। तो क्रिएट करने में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो लॉग इन करो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके और वहां पे अपना वॉलेट कनेक्ट करो, दैट्स स्टेप नंबर 1। एक्चुअली 4 स्टेप्स हो गए। सेकंड स्टेप इज टू क्रिएट अ कलेक्शन। व्हेन यू क्रिएट अ कलेक्शन यू एक्चुअली डिप्लॉय अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इन द इथेरियम ब्लॉकचेन। तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो डिप्लॉयमेंट होता है वो एक कलेक्शन का 1 टाइम होता है। उसके बाद उसके अंदर 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन जितने चाहे आइटम ऐड कर सकते हो, उसकी कोई फिक्स फी दोबारा इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि वो द कलेक्शन विल रिमेन ओनली वंस। तो आप चाहो तो उसमें ERC-720 या ERC-1155 दो कैटेगरीज आती हैं जिनके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है इथीरियम। अगेन मैटिक में वो बहुत कम है। अगर आप पॉलीगन इथीरियम में जाएंगे तो आई थिंक जब वो गैस फीस जब मॉडरेट होती है तो वो $100 के आसपास वो फीस पड़ती है, बट जब गैस फीस बहुत ज्यादा होती है दैट कैन गो अप टू $400 or $500। And but the same cheese in Matic, you know, can be around $3 or $4. That's it. That's a one-time cost. And then after creating the collection, you have to add an item inside it. So when you add an item inside it, आपको कुछ नहीं, एक image upload करनी है जो item आप बेचना चाहते हो, जो asset. और उसकी कुछ values होती हैं वो आपको भरनी होती है, जैसे properties, details, link, anything, whatever you want to mention. तो आप उसमें वहाँ entry करोगे. उसके बाद next होता है कि आपको उस item को sale पे लगाना है. That is a third step. उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सेल पे लगाने के लिए आपको फिर अगेन वही जैसे नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आपको मे बी मैटिक में मैंने बताया था 7 पैसे खर्च होते हैं, डॉलर्स में आप देखोगे तो आई थिंक इथीरियम में देखोगे तो आप आई थिंक इट्स जस्ट मे बी यू नो वेरी स्मॉल अमाउंट एक्चुअली 40-50 रुपीज जो आपको पे करने पड़ेंगे वंस। तो उसके बाद वो आइटम आपका सेल पे चला जाएगा, फिर एनीबडी कैन बाय एंड यू आर डन। सो कलेक्शन डिप्लॉयमेंट इज अ वन टाइम प्रोसेस एंड देन यू हैव टू जस्ट अपलोड एन आइटम and then put it on sale, upload an item, put it on sale. When you put that item on sale, that process is called minting. We are calling it a minting process. तो आपने ये भी जिक्र किया था कि इसके लिए वॉलेट चाहिए होगा, पर मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या हम NFT इंडियन रुपी में भी खरीद सकते हैं? क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है? Yes, हमारे प्लेटफॉर्म भी ये चीज अवेलेबल है। तो आप मास्टर या वीजा कार्ड यूज करके, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सॉरी आप यूज करके आप अपना वॉलेट टॉप अप कर सकते हैं, बट आप उसमें ऑब्वियसली आप इंडियन रुपीज में पे करेंगे एंड देयर विल बी अ KYC बिकॉज़ द कंपनी व्हिच इज इन US एक्चुअली इज डूइंग द KYC फर्स्ट एंड देन दे विल अप्रूव योर ट्रांजैक्शन। एंड वंस यू गेट योर ईथर और मैटिक टोकन इन योर वॉलेट, यू कैन देन यूज देम टू बाय द NFT। सो देयर विल बी अ इट विल बी अ 2-स्टेप प्रोसेस, मींस इंडियन रुपीज टू इथेरियम एंड देन ईथर टू NFT, बट इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल टू बाय NFTs यूजिंग इंडियन रुपीज। तो ये NFT जो है ये क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, तो जैसे क्रिप्टो करेंसी के रूल्स इंडिया में इतने डिफाइन नहीं है, थोड़ा इसमें अनसर्टेनिटी है, लीगैलिटी में भी इश्यू है, तो NFT के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? क्या ये क्रिप्टो करेंसी के डोमेन में ही फॉल करता है या इसके कुछ अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं? एक्चुअली इट विल नॉट फॉल इन द क्रिप्टो करेंसी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिकॉज यू नो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन टू आंसर टू बी ऑनेस्ट एंड I'm very sure that you know Indian government is smart enough to understand that categorize these things as a different innovations because blockchain is a fundamental technology aur uske upar ek use case hai cryptocurrency aur uske upar dusra use case hai NFT. NFT may or may not involve cryptocurrency actually. It can be done even without cryptocurrency and direct from bank to NFT. That can also be done. But again, you know, regulation wise, I think it will be too early to comment on anything because this some legal structure might be definitely required. To make sure that things are aligned with the regulations as well as the consumer's interest. So, वो चीजों में थोड़ा सा time लगेगा, but I don't think it falls directly with the cryptocurrency. There is some overlapping for sure, but that overlapping is an optional thing. And as a platform or as a technology provider, it can be completely avoided. Practically, it is possible. तोशिंदर एक लास्ट सवाल है आपसे, क्योंकि आपने कंज्यूमर इंटरेस्ट की बात करी, तो NFT की अगर क्रेडिबिलिटी हमें देखनी है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी पेंटिंग जेन्युइन है? एक आर्टिस्ट की क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश कैसे कर सकता है कोई बायर? तो ये एक्चुअली बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिकॉज फर्स्ट थिंग इज व्हेनेवर यू बाय समथिंग इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स इज डू योर ओन रिसर्च, डोंट जस्ट बाय समथिंग बिकॉज यू लाइक इट एंड बिकॉज यू फील दैट इज ओरिजिनल।
यू हैव टू यू नो गो एंड चेक द बैकग्राउंड ऑफ द सेलर. तो उसकी सोशल लिंक्स चेक करो, उसका नाम चेक करो, उसको गूगल करो, और उसके अलावा उसके बारे में पढ़ो कि वो कौन है, क्या है. उसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे हम कुछ ऐसे फीचर्स ऐड कर रहे हैं जिसमें अगर आप अपने जिसमें कोई भी सेलर अगर अपनी आर्ट अपलोड करेगा तो हम पहले ही बता देंगे कि वो आर्ट कहीं और एग्जिस्ट करती है या नहीं, और इट लुक्स सिमिलर टू द अदर आर्ट्स, सो दैट यू हैव अ एज अ बायर आपके पास ऑप्शंस होना चाहिए कि मैं एक बार चेक कर सकता हूँ कि इसके जो फ्लैग्स हैं ये गुड और बैड हैं. प्लस हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे जब भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है तो हम उसको डिसेबल करेंगे ताकि वो कंज्यूमर बायर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहे और उनको जेन्युइन लगे. सो आई थिंक इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर कि वेदर द पेंटिंग इज जेन्युइन और नॉट. यू हैव टू एज अ बायर ऑलवेज डू योर रिसर्च. ऑल्सो एनएफटी में परचेजिंग द एनएफटीज आर ऑल्सो द रिस्की प्रपोजिशन. तो मतलब आपको उसी हिसाब से सोच के चलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी 10,000 रुपए की खरीदी बट सेकेंडरी मार्केट में आप गए तो कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं है. तो ये चीज पॉसिबल है. तो द बायर शुड बी अवेयर कि मैं पूरा पैसा लूज कर सकता हूँ बिकॉज किसी को खरीदने की इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. बट या फिर आपने 10,000 का खरीदा, दूसरा आदमी कहता है मैं तो 8,000 से ऊपर दूंगा नहीं, फिर आप लेके उसको बैठे रहोगे मे बी 5 साल, मे बी शायद वो फिर बाद में 15,000 रुपए की बिक जाए. जस्ट लाइक अ रियल एस्टेट एसेट परचेज, मतलब यू कैन गो थ्रू अ रिस्क. तो आपको परचेस करते हुए खुद ही टेक केयर करना पड़ेगा. बट यस, सोशल इंजीनियरिंग वे से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. यार सोशल मीडिया पे इसका नाम ही नहीं है कोई, ये सैलरी पता नहीं कौन है, इसकी ईमेल आईडी कंफर्म नहीं है, तो आप उससे बचिए क्योंकि वो जेन्युइन होने चाहिए थोड़े से. थैंक यू तुषेंद्र फॉर योर टाइम. आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि एनएफटी क्या है, इसके साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व्ड है, इसकी क्या कॉस्ट है. तो फाइनल डिसीजन कस्टमर के ऊपर है कि वो कैसे क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी को बाय करना चाहता है. थैंक यू वंस अगेन तुषेंद्र फॉर ज्वाइनिंग अस. With this, we wrap up today's show. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो YouTube पे हमें जरूर सब्सक्राइब करिए और हमें LinkedIn, Twitter, Facebook और Instagram पे फॉलो करना ना भूलिए. थैंक यू वंस अगेन फॉर watching दिस वीडियो.